Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज एक रुपये का कार्ड रीडिंग है, वो है जी आपकी किस्मत में क्या लिखा है. आपकी किस्मत में ये जो साल है नया 2021, इसमें आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है फ्रॉम डिवाइन. तो क्या चेंजेस आने वाले हैं या मतलब आपकी किस्मत का खेल, किस्मत किस तरह से आपको किस मोड़ पर लेकर के जाएगी, किधर क्या होने वाला है. ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड योर करियर, आपका प्रोफेशन, हेल्थ एंड सक्सेस, इस सब को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो एंड में आपको एंजल्स गाइडेंस भी लेकर के देंगे. ठीक है, तो ये डिटेल रीडिंग है, रीडिंग को काफ़ी गौर से देखिएगा. बट आप अपना ग्रुप पहले चूज़ कर लें जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. ग्रुप वन वाइट बटरफ्लाई एंड ग्रुप टू इज़ गोल्ड बटरफ्लाई. तो जो बटरफ्लाई आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हो ग्रुप को. तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ. हेलो हाय ग्रुप नंबर वन, अगर आपने वाइट बटरफ्लाई चूज़ किया था अपने लिए, तो देखते हैं कि आपका जो भाग्य में, आपकी किस्मत में डिवाइन में क्या लिखा है इस साल, क्या चेंजेस आने वाले हैं. पहले मैं आपकी लव रीडिंग निकालूंगी, फिर आपकी करियर एंड सक्सेस, हेल्थ, करियर, ठीक है, जॉब वगैरह की फर्स्ट रो में पहले मैं आपकी लव रीडिंग निकाल रही हूँ इन फर्स्ट रो. ओके, मून आपकी लव रीडिंग है आपकी किस्मत की. ओके, वर्ल्ड कार्ड, दो मेजर अरकानाज हैं ये, पेज ऑफ फायर काफ़ी पोटेंशियल है आप लोगों के कार्ड्स से, काफ़ी वो हो रहे हैं. ओके, वाओ, किंग ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है कोई एंड द ड्रीमर, ड्रीमर. ठीक है, तो ये हैं जी आपके लव रीडिंग के कार्ड्स. तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी लव रीडिंग में, आपका जो पर्सन है, जो आपकी किस्मत में आपका लिखा है पर्सन, ही इज़ किंग ऑफ वाटर. ये मोस्ट प्रोबेबली वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन. सही है, तो ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है एंड बहुत ट्रस्टवर्दी ये पर्सन होगा. ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड एंड वेरी कल्चर्ड मैनर्ड ये इंसान, इसको बड़ी मतलब इसको तमीज़ होगी बात करने की एंड बहुत ज़्यादा ट्रू लवर है ये आपका. ठीक है, इज़ योर ट्रू लवर. ड्रीमर में ये एरीज हो सकते हैं. ठीक है, बट ये ना बड़ा इनको इस तरह का ये पर्सन है कि इनको तैयार होने काफ़ी शौक हो सकता है. इनके पास डिफरेंट किस्म के सूट्स हो सकते हैं, मतलब पैंट्स, कोट्स, ठीक है, बहुत सारी जैकेट्स हो सकती हैं, बहुत सारे ट्रेजर्स इनके पास हो सकते हैं. इनकी मतलब इस तरह का इंसान है, बड़ा इनका कबर्ड हर वक्त सजा रहता है इस तरह के इनकी वो मतलब पर्सनैलिटी. ठीक है, बट ये इमोशनल है पर्सन, ट्रू लवर है, और ये जब प्यार करता है ना तो ये दिल से ही करता है. ओके, तो आपकी जो लव लाइफ है उस पर मैं आपको बताऊँ कि आप में से मतलब देखिए ना, इम्पॉर्टेंट साइकिक इंसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज योर फियर्स दैट होल्ड यू बैक. आपको डिवाइन एंजल्स की तरफ से ये गाइडलाइन आ रही है कि आप अपने जो फियर्स हैं ना उनको ज़रा कम करें. ठीक है, अगर आपको कोई इस किस्म का फियर है कि जो आपको मतलब आपको ऐसे लगता है कि यू डोंट डिज़र्व लव या आपको लव नहीं मिलना, तो अपने फियर को निकालें. जब तक आप इस फियर से नहीं बाहर निकलेंगे, आप यकीन करें आपको कुछ भी नहीं मतलब आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो. सबसे पहले आपको अपने फियर पर काम करना होता है, फिर जाकर आपको आपका चीज़ मिलती है. ठीक है, ओके, वर्ल्ड कार्ड है. ओके, एक तो बात है आपको ग्रेटिट्यूड जो है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. ठीक है, तो जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल रहें, जो नहीं है उसके लिए प्रे करें, मैनिफेस्ट करें.
तो वर्ल्ड कार्ड के साथ डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, मैं बात बताऊँ पॉसिबिलिटी है या अब्रॉड से हो, नहीं तो आपके साथ ही काफ़ी इनके फॉरेन टूर लग सकते हैं, ठीक है। आपकी जिससे आप चाहते हो ना शादी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ में मैरिज देख रही हूँ, और मैरिज भी आपकी लव मैरिज है, 100% यहाँ पर लव मैरिज आपकी है ही है, ठीक है। ओके, पेज ऑफ फायर के साथ ये जो है ना, आपको गुड न्यूज़, एक्साइटिंग न्यूज़ अचानक से मिलेगी। अचानक से पॉसिबिलिटी कि आपको आपकी लव लाइफ में अचानक से किसी का प्रपोज़ल आए और आपको वो मिल जाए, ठीक है। और आप में से जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, तो ये इट्स गोइंग वेरी वेल, ठीक है। ये रिलेशनशिप ठीक है ना, आप ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हो इस पर, और इट्स वेरी नाइस फॉर यू, बहुत अच्छा है आपके लिए। किंग ऑफ वाटर हैं जी आपके पर्सन, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड, मैनर्ड, पहले मैंने आपको बताया। तो ड्रीमर्स है ये इंसान होगा, इनको कुछ करना लाइफ में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपके जो लव लाइफ है, मैं बताऊँ आपकी किस्मत में जो लिखा है इंसान डिवाइन ने, डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये बात कोई फ्लावरी वर्ड्स नहीं है, ये जो ऑब्वियसली कार्ड निकलते हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो आपकी जो एक मिनट लव लाइफ है ना, उस पर मैं रोमांटिक लाइफ पे आपकी ज़रा आपको कार्ड्स निकाल के बता दूँ कि क्या है आपकी लव लाइफ के कार्ड्स। ओके, रिलीज योर एक्स। अगर आप में से कोई एक्स पर अभी स्टक है, तो यू नीड टू रिलीज योर एक्स, क्योंकि आपकी किस्मत में कोई न्यू पर्सन है ये, अगर ये टॉक्सिक एक्स था, ठीक है। अगर मैंने पहले बताया, अगर आपका पर्सन आपसे ठीक है, आपका सोलमेट है, आपकी बनती है, केमिस्ट्री है, तो फिर नहीं, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें। मुझे पहले भी सेल्फ लव की आपकी कमी लग रही थी, बिकॉज यहाँ पर मून कार्ड आया ना, आपको कोई फियर है, सेल्फ डाउट्स हैं, आपको खुद पर फियर है, अपने आप से प्यार करें, अपने करियर पर फोकस करें, सही है। तो आपकी लव लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ वहाँ न्यू लव। देखिए मैंने वही बात की थी ना, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए उनकी होंगी, एंड आपकी लव लाइफ में ये एंट्री लेंगे ये पर्सन। फिनेंसिस एंड करियर, फिनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। देखिए मैंने पुकारा, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। ये कार्ड कह रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है ना, ये आपकी लव लाइफ में फैक्टर बने हुए हैं। अब ये बात दो तरह से हम ले सकते हैं, एक तो ये कि जिनकी शादी वगैरह की बात चल रही है और वो सफल नहीं हो पा रही, उसकी वजह ये है फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस, ठीक है। शायद आपका फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, उनका और है, तो ये प्रॉब्लम बनी है, या फिर ये है कि आप अपने करियर पर अभी सही तरह से फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ में। जब तक आप अपने खुद पे नहीं, लव योर सेल्फ का भी कार्ड आया था ना, मतलब लव योर सेल्फ का मतलब होता है कि अपने करियर पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें। तो जब तक आप इस मसले को हल नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ में डिवाइन कह रहे हैं कि आप पर्सन अपने न्यू लव को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी किस्मत में डिवाइन ने लिखा है न्यू पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है, बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं, पता नहीं हमारी किस्मत में है भी कि नहीं सोलमेट, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जी आपकी अब दूसरी करियर रीडिंग वगैरह। ओके गाइस, आइए आपकी जो दूसरी रीडिंग है वो है जी आपके करियर को, प्रोफेशन को, जॉब को, हेल्थ को, सक्सेस को लेकर के, क्या आपकी किस्मत में क्या है। टू ऑफ एयर्स, द लवर्स, किंग ऑफ एयर, नाइन ऑफ एयर्स। ओके, मुझे जो आपकी नज़र आ रहे हैं हेल्थ सॉरी करियर वाइज, आपको अभी ना थोड़ी दुविधा है, आपको अभी क्लियरली आपने डिसाइड नहीं किया कि व्हाट टू डू, ठीक है। मतलब आप अभी अनविलिंग हो कि मतलब आपको अपने आपने डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में
प्रॉपरली करना क्या है, या अगर ले भी चुके हैं तो आपको किसी दो चीज़ों में आपको यू आर स्टिल डबल माइंडेड, ठीक है। बट आपको ऐसे अपने दिल को आपको बिल्कुल समझाते हो कि कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मसला है आपको अपने डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम है आपके करियर में, ठीक है। बट लवर्स कार्ड के साथ ही आपको कलर्स कार्ड कहते हैं कि मतलब सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको देखिए लिखा है केयरफुली वेट योर डिसीजंस, अपने डिसीजंस को आपको केयरफुली वेट करना है, केयरफुली इनको मॉनिटर करना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ओके, गुड हेल्थ का यहाँ पे इंडिकेशन है, जो लोग इन हेल्थ के देखना चाह रहे हैं इस साल, उनकी हेल्थ जो है बेटर होने वाली है पिछले साल के निस्बत, ठीक है। तो बहरहाल आपका जो जॉब से आपको करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड डिसीजन मेकिंग में आप जो हो थोड़े वीक हो, मैं ख्याल में डिसीजन नहीं आप जल्दी ले पाते हो कि करना क्या। तो किंग ऑफ एयर के साथ आप बड़े प्रोफेशनल रहोगे इस साल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी पीक पर जाएगी, आपकी माइंड एबिलिटीज स्किल्स ये काफ़ी आपकी हाई पर रहने वाली हैं, ठीक है। लिखा है स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिड्रेशन। तो आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड के साथ साथ अपनी इमोशनल लाइफ को भी, अपनी इमोशंस को भी बैलेंस करके अपनी प्रोफेशनल फील्ड को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल आपके जो उसमें प्रोफेशनल फील्ड में मैं देख पा रही हूँ कि चैलेंजेस हैं, आपको काफ़ी जो लोग एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं स्लीपलेस नाइट्स हैं यहाँ पे, तो आपको हो सकता है रात को उठ के तैयारी करनी पड़े, या कुछ ऐसा काम आप नई जॉब स्टार्ट करो तो आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, ठीक है। मेहनत से नहीं घबराते, घबराते हैं कि जब आप मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो बहरहाल थोड़ी सी और आपके एनर्जी देखो कि क्या है आपके प्रोफेशनल फील्ड में। ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली, आप ग्रेटिट्यूड आपको होगा, आपको प्रॉफिट्स होंगे, आपका मेरे ख्याल में सक्सेस है, डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड का आपका कार्ड है, फॉरगिवनेस। तो अगर प्रोफेशनल फील्ड में आपको यू नीड टू फॉरगिव समवन, शायद किसी ने आपके साथ बुरा किया किसी में, तो आपकी किसी ने धोखा दिया है कि बिजनेस में, या ये या कोई मसला, या किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, यू नीड टू फॉरगिव दैट एंड आगे चलें, ठीक है। क्रिएशन, किसी क्रिएटिव फील्ड से हमें आप हो सकता है इन्वॉल्व हो और उसमें आगे जाना चाहो, तो यू नीड टू क्रिएटिव फील्ड, किसी कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटिंग, या यहाँ पर आप नया कंटेंट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ इस किस्म की फील्ड में आप जा सकते हो, जो डिवाइन ने लिखा है आपके, ठीक है। मिस्टिसिज्म, बाज़ लोग आपके मिस्टिक लाइफ लाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आ सकते हो, इसको भी अपना करियर लाइन बना सकते हैं, या आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आपको आपके ड्रीम्स को में अचीव करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी आपको जो भाग्य में लिखा है या जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, लव यू। ग्रुप टू, अगर आपने गोल्डन वाला बटरफ्लाई चूज़ किया था, आए देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अच्छा, ये ना मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ, कांच की रो स्प्रेड ऐसे लगाऊंगी कि फर्स्ट रो में आपकी होगी लव लाइफ, ठीक है, कि आपकी लव लाइफ में आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है या मैरिड लाइफ आगे, ठीक है। और जो सेकंड रो होगी उसमें होगा जी आपका मनी मैटर्स, आपके फाइनेंशियल करियर सक्सेस एंड हेल्थ के बारे में, राइट। लेकिन पहले हम बात करेंगे जी आपकी लव लाइफ के बारे में, कि आपकी लव लाइफ के आपके भाग्य में क्या है, आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या है। नाइन ऑफ फायर, ओके, आप फायर साइन हो सकते हैं, रीज योर सर्च। किंग ऑफ अर्थ, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ हो सकता है आपका डील हो आगे। ये सब वाटर,
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियोज है जी, यूनिटी कार्ड है, इसके अलावा है जी किंग ऑफ एयर, ठीक है। आपके जो रोमांस एंजल्स हैं जी, आपके भाग्य में यू डिजर्व लव एंड ओके वेटिंग एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी लव रीडिंग थी आपके भाग्य की। ये मैं आपको बताऊँ ग्रुप टू गोल्डन बटरफ्लाई के, एक तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि डोंट गिव अप, ठीक है। प्रोटेक्ट दैट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर बिलीव आपने रखना है, डिवाइन पर बिलीव करना है आपने, मतलब अगर आप सिंगल हो अभी तक तो आपने अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एस ऑफ वाटर के साथ डेफिनेटली देर इज अ न्यू प्रपोजल फॉर यू 100%। यहाँ पर आपके लिए न्यू प्रपोजल है इन नियर फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी कार्ड भी है। देखें ये भाग्य में आपके लिए डिवाइन ने लिखा हुआ है, अब आप मैनिफेस्ट करते हो या नहीं ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। क्या आप इसको अवेलेबिलिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करते हो या नहीं। बहरहाल ये एक न्यू होम, ये देखिए न्यू होम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यूनियन और यूनिटी, ठीक है। तो बहरहाल आपका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से मिलने वाले हो, आपका ससुराल भी काफ़ी अच्छा होगा। किंग ऑफ अर्थ की जो एनर्जी है यहाँ पर देखें आप, दो अगर गौर से आप कार्ड्स को देखें, यहाँ पर दो किंग्स आए, किंग ऑफ एयर एंड किंग ऑफ अर्थ, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ तो फ्यूचर में दो लोगों से डील करें, आपको दो प्रपोजल आए, ठीक है, उसमें से आप एक को चूज़ करें। एक तो होंगे जी कोई इंटेलेक्चुअल से, ब्रिलियंट, काफ़ी प्रोफेशनल से, ठीक है, और दूसरे हो सकते हैं कोई बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, बड़ा जेनरस एंड प्रोफेशनल एंड यू नो बिजनेस टाइप पर्सन, और एक होंगे वो थोड़े इंटेलेक्चुअल फील्ड से होंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी दो प्रपोजल हों, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फादर है, फादर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी रिश्ता करवाने में, एंड फादर जो है आपके इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा आपकी जिधर शादी, ठीक है। ये देखिए वेडिंग कार्ड ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपना खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेफिनेटली यू गोना गेट मैरिड वेरी सून, ठीक है। मैं आपके भाग्य में शादी है और बहुत जल्दी है, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको एक तो लव योर सेल्फ, ठीक है, खुद पे ध्यान दे, करियर पे ध्यान दे, सेल्फ ब्यूटी पर, सेल्फ केयर पर ध्यान दे, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें। यू डिज़र्व लव, ऑब्वियसली यू डिज़र्व लव, इसलिए आपको डिवाइन ने ये सब आपके लिए रखा है। एंड अच्छा, यूनिटी कार्ड है, साथ वेडिंग कार्ड भी है, ठीक है। तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आप अपने सोलमेट, अपने फ्यूचर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको अपनी लाइफ में आप मतलब एंट्री दे रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है आपकी वाइब्रेशंस भी काफ़ी है ना हाई हैं, इस वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको 9 of Fire बता रहे हैं कि डोंट गिव अप, ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर मैं कैमरा फोकस करूँ, ये देखिए डोंट गिव अप, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब डिवाइन आपको कह रहे हैं आपने जितना मैनिफेस्ट किया है ना उसको प्रोटेक्ट करें, और अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो जो जितना कुछ आपने दुआएं या प्रेयर्स, प्रार्थना किया है या मैनिफेस्ट किया है ना, फिर वो काम करना बंद कर देती है चीज़, ठीक है। तो प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको अपने ज़िंदगी में आने दें, ठीक है जी। आई अब आप, मैं आपको ना आपकी तो करियर रीडिंग के लिए, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी हेल्थ, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं उस पर कार्ड्स आपके पहले निकाल दें। वाओ, चैरियट कैंसर है जो आप में से कोई, 6 of Air, ओके, 9 of Earth, टॉरस वीगो कैप्रिकॉन, 5 of Air, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनियंस, 2 of Water, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड 9 of
अर्थ। अच्छा, एनर्जी से ज़रा मैं आपको देख लूँ। एनर्जी है जी आपकी एक्सपांशन, वर्कहोलिक, इतना रख देते हैं, वर्कहोलिक एक्सपेंशन एंड जॉय, एक और निकाल लेते हैं ग्रोथ। देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही खूबसूरत कार्ड में रीडिंग, कहाँ से शुरू करूँ क्या बताऊँ आपको। बहुत ही अच्छी आपको सक्सेस आपके भाग्य में लिखी हुई है। एंड एक ये है कि आपने पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने अनवाइज चॉइस ली थी, तो आपको कहा जा रहा है लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, तो इट वाज एन अनवाइज चॉइस। पीछे आपने शायद करियर में कुछ अनवाइज चॉइसेस ली हैं जो कि आपका प्रॉब्लमेटिक आगे हुआ है, बट इट्स ओवर। ठीक है, सिक्स ऑफ ईयर आपको कह रही है थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ आर डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। ठीक है, ये आगे मूव फॉरवर्ड, ये दो कार्ड हैं आपके मूव फॉरवर्ड के। आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यू आर गोइंग अहेड, आगे जा रहे हो आप। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो बहरहाल आपकी करियर रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर टू ऑफ वाटर है, तो आपके फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं किसी के साथ, कोई आपका साथ, कोई आपका बिजनेस पार्टनर आपको ऐसा मिले जो बहुत लॉयल होगा आपके साथ, आपको कोई फ्रेंड या कोई पार्टनर। ठीक है, उसके साथ मिलके आप काम शुरू कर सकते हो। नाइट ऑफ अर्थ के साथ आप लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में काइंड हो। ठीक है, तो गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं आपके काम में। तो आपने अभी जो सोचा है नेक्स्ट करने का, डेफिनेटली ये आपकी बिल्कुल ठीक है चॉइस। और नाइन ऑफ अर्थ के साथ एंजॉयिंग लाइफ, लिटिल लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपको जो जॉब है नई मिलने वाली है, सक्सेसफुल आप होने वाले हो। डेफिनेटली मनी मैटर्स में आपको, मेरा नहीं ख्याल, कोई मसला होने वाला है आगे आपके भाग्य में जो लिखा है नेक्स्ट। ठीक है, और चैरिट कार्ड आपको कहता है कि बहुत जल्दी आप प्रॉस्पर करोगे, बहुत जल्दी पाके जाओगे। तो फॉर दोज जो अपने अपने एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू गोना क्रैक दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, बहुत जल्दी। और लेकिन ये है, ये मैं आपको बताऊँ, ये वर्कहोलिक का कार्ड है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम के बगैर, तैयारी के बगैर, मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपका काम है, कोई काम आपने शुरू किया है तो डेफिनेटली देर इज एक्सपेंशन, आपका काम आगे जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई काम, कोई ऑनलाइन, कोई यूट्यूब चैनल है, जो भी आपने शुरू किया है डेफिनेटली वो एक्सपेंड करेगा। खुद जॉय कार्ड है, खुश हो जाओगे आप। ठीक है, आपके काम में ग्रोथ है, ये देख लें आप, ग्रोथ ग्रोथ आपको मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, ग्रो करोगे आप। और अच्छा, जो लोग सक्सेस का मैंने बता दिया आपको, जो लोग हेल्थ के लिए देख रहे थे, हेल्थ के लिए आपका नेक्स्ट जो आपके मेरी लाइफ में लग रहा है कि अगर आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ें, अपनी, मुझे लग रहा है यहाँ पे फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ वाले ज़्यादा हैं जिनको प्रॉब्लम्स है। तो आपका जो फाइव ऑफ ईयर यही बता रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम रही है, नेगेटिव थिंकिंग एंड लोगों के इन्फ्लुएंस में आ करके काफ़ी सोसाइटल प्रेशर आप पर आए। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा उस पर भी काम, अपना मेंटल हेल्थ पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, खुश रहें, जो है कार्ड इसीलिए आया, खुश रहें, बिला वजह ही खुश रहें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देते जो हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, अगर आप अपना अपने आप को देखें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें अपने इर्द गिर्द ही मिल जाएंगी जिसके लिए आपको डिवाइन का थैंकफुल होना चाहिए। अभी आपने जो खाना खाया है, अभी रीडिंग सुनने से पहले का जो आपका लंच था या डिनर था या ब्रेकफास्ट था,
उसके लिए ही अगर आप अपना थैंकफुल हो जाए डिवाइन को, तो डेफिनेटली आप और चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है। तो भाग्य में मुझे आपका ऐसा कोई मसला नहीं लग रहा, मुझे लग रहा आपको डिवाइन ने आपके लिए लिखा है, सब कुछ है, बट आपको ग्रेटिट्यूड करके, मैनिफेस्ट करके आपको अपने ज़िंदगी में वो अचीव करना है, ठीक है। बहुत जल्द मैं मैनिफेस्टेशंस की वीडियो में डालना शुरू करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू मैनिफेस्ट, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।